आइए हम देखते हैं कि परफेक्ट सात्विक काला चना बनाने के सारे टिप्स क्या हैं, जो बिना लहसुन प्याज डाले भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक कप काला चना ले लें और उसे धोकर 7 से 8 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दें। और ये देखिए, चने बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। आप इसका ये पानी फेंक दीजिएगा और कुकर में 2 कप पानी डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही आप डालिएगा इसमें नमक। याद रखिएगा कि चना को उबालते वक्त ही इसमें नमक डाला जाता है, ताकि इसमें नमक का अच्छा टेस्ट आ सके। और इसमें एक है टिप नंबर 1, इसमें आप डालिएगा 1/4 चम्मच खाने का सोडा। हाई फ्लेम में आप इसे 2 सीटी तक और फिर इसे लो फ्लेम में 10 मिनट तक आप पका लें। और ये देखिए, सोडा डालने से चना कितने अच्छे से गल चुका है। अब चलिए देखते हैं इसमें डालने के लिए मसाले। आप ले लें 2 मीडियम आकार के टमाटर, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 2 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग के। तो टिप नंबर 2 ये है कि जितने सूखे मसाले थे, हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, इसको हम कटोरी में लेंगे, इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और देखिए, अब हम लगाते हैं इसके लिए तड़का। तो कढ़ाई को रखिए मीडियम फ्लेम में और इसमें आप डाल दें पहले 4 चम्मच तेल और तेल को गर्म होने दें। और जैसे ही तेल गर्म हो, आप उसमें डाल दें पहले जीरा और जीरे को अच्छे से आप चटकने दें, मतलब क्रैकल होने दें। और फिर आप इसमें डाल दें 2 सूखी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। मोस्टली ये सब्जी अष्टमी की दुर्गा पूजा के दिन बनाई जाती है, जब हम देवी में बिना लहसुन और प्याज की सब्जी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में प्रसाद में। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ अदरक, और अदरक को भी आप 1 मिनट के लिए चला लें, ताकि अदरक और मिर्च और जीरा का स्वाद तेल में बहुत अच्छे से आ जाए। फिर इसके साथ ही आप डाल दें 2 चुटकी हींग। कोई भी चने का जब आप सब्जी बनाते हैं, आप उसमें हींग जरूर डालिए। उसके साथ उसका टेस्ट बढ़ता तो है ही, साथ ही साथ वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बस उसके बाद आप डाल दें जो मसाला हमने पानी में डालकर रेडी किया था। मैंने ये मसाले पानी में इसीलिए डाले थे ताकि अगर हम इसे डायरेक्ट इसमें डाल देते तेल में, तो मसाला जल जाता और उसका टेस्ट सब्जी में बहुत ही खराब आता। तो आप इसका ये टिप याद जरूर रखिएगा कि अगर आप प्याज और लहसुन नहीं डाल रहे हैं, तो मसाले को आप थोड़ा पानी में भिगा दें और उसके बाद ही इसे डालें। तो बस मसाला हमें 1 मिनट तक पकाना है, ताकि मसाला का जो टेस्ट है सब्जी में बहुत ही अच्छे से आए। और ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। आप इसे इसमें बहुत देर तक बिल्कुल भी मत पकाइएगा, नहीं तो मसाले इसमें जल जाएंगे। बस इसे कुछ 0.5 मिनट या 1 मिनट चलाने के बाद ही आप इसमें डाल दें जो सूखी हुई कसूरी मेथी हमने रखा था 1 बड़ा चम्मच, उसे हाथों से मसल कर इसमें डालें। इसका टेस्ट सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप सब्जी में टमाटर यूज करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस वक्त इसमें 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, उससे भी सब्जी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर जो 2 टमाटर लिए थे, उसे रफली चॉप कर लिया है और उसे इस मसाले के साथ मिला लिया है। टमाटर डालने के साथ जो टमाटर अच्छे से गल सके, इसके साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें नमक। याद रखिएगा कि आपने चने में भी नमक डाला हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसमें नमक डालिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस नमक डालने के साथ ही आप इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक जो टमाटर है वो तेल ना छोड़ना स्टार्ट कर दे। और ये देखिए, टमाटर कितने अच्छे से पक चुके हैं, इसमें से तेल भी अलग हो रहा है। तो बस यही सही टाइम है कि आप इसमें डाल दीजिएगा उबले हुए चने। अगर आपको ड्राई सब्जी पसंद है, तो आप इसमें पानी ना मिलाइएगा। और अगर आपको मेरे जैसे थोड़ा सा सेमी लिक्विड सब्जी पसंद है, तो आप इसमें जिस पानी में हम चने उबाले थे, आप वही पानी इसमें मिलाइएगा। कोई दूसरा अलग से पानी इसमें मत मिलाइएगा, नहीं तो इससे टेस्ट उसका पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए, आप चना डालने के बाद इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो चना है उसमें मसाला अच्छे से चिपक जाए। आप इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पका लें।
और ये देखिए, मैंने इसमें जिस पानी में हमने चना उबाला था वही पानी इसमें डाला है। और इसे आप मसाले के साथ अच्छे से पकाएं। उसके साथ ही आप डाल दें इसमें 1/4 चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर। ये ऑप्शनल है पर ये सब्जी में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास हो तो। और इसमें आप एक उबाल आने दें। और ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। और रुकिए रुकिए, अभी रेसिपी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। लास्ट में आप इसमें धनिया पत्ती तो ज़रूर डालिएगा। ये दिखने में तो अच्छी लगती है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे गर्मा गर्म इसे ज़रूर परोसें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।